आज हम बात करेंगे तिलु रौतेली के बारे में। तिलु रौतेली एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने 15 से 20 वर्ष की आयु में लगभग 7 युद्ध लड़े थे। जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1661 में ग्राम गुराड़ में चौंदकोट जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, और उनके पिता का नाम था भूप सिंह रावत, उनकी माता का नाम था मैणावती रानी। तो तिलु रौतेली ने अपने बचपन का जो अधिकांश समय था वो बीरोखाल के जो कांडा मल्ल गांव है वहाँ बिताया था। भूप सिंह गढ़वाल नरेश के यहाँ दरबार में एक सम्मानित ठोकदार हुआ करते थे। अब तिलु के दो भाई थे, था भगतू, एक का नाम था पत्वा। तो 15 वर्ष की उम्र में चौंदकोट के थोकदार थे उनका नाम था भूम्या सिंह नेगी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भवानी सिंह। उसके साथ तिलु रौतेली का सगाई हो गई थी, बड़ी धूमधाम से हुई थी। तो 15 वर्ष की आयु तक जो तिलु रौतेली थी वो घुड़सवारी एवं तलवारबाजी में बहुत ही निपुण हो चुकी थी। उनका जो गुरु थे उनका नाम था सीबू पोखरियाल। उस समय गढ़ नरेशों और कत्यूरियों के बीच बहुत युद्ध हुआ करते थे। तो उस समय कत्यूरी नरेश धामदेव, उन्होंने जब खेरागढ़ पर आक्रमण किया तो जो उस समय गढ़ नरेश थे, तो उस समय के गढ़ नरेश थे मानसा, वहाँ की रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो भूप सिंह रावत को सौंपकर और खुद चांदपुर गढ़ी चले गए थे। तो भूप सिंह रावत ने बहुत डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था, परंतु इस युद्ध में वे और उनके अपने दोनों पुत्र और तिलु के जो मंगेतर थे इन सब की मृत्यु हो गई थी और ये शहीद हो गए थे। अब कुछ दिनों बाद कांडा गांव में कौथिक लगा, कौथिक का मतलब होता है मेला लगा। तो इन सभी घटनाओं से अनजान जो तिलु रौतेली थी वो कौथिक में जाने की जिद करने लगी। उसकी माँ ने रोते हुए तिलु रौतेली को ताना मारा, कैसी है रे तू, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती, तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे, जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले, ले सकती है क्या, फिर खेलना कौथिक। तो माँ के इन वचनों को सुनकर तिलु रौतेली के मन में बड़ा प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई और उसने यह प्रण लिया कि वह खेरागढ़ और सभी क्षेत्रों को आक्रमणकारियों से मुक्त करेगी। तो इस प्रकार शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा उसकी जो प्यारी घोड़ी थी, तिलु रौतेली की जो घोड़ी थी उसका नाम था बिंदुली, उसके साथ तथा दो प्रमुख तिलु रौतेली की सखियाँ थी, एक का नाम था बेलू और एक का नाम था देवली, ये दोनों तिलु रौतेली की अंग रक्षक थी, ये सब युद्ध भूमि में उतर गए। पुरुष वेश में इन्होंने छापामार युद्ध कत्यूरियों के साथ किया। छापामार युद्ध होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स। तो इन्होंने सबसे पहला युद्ध किया था खेरागढ़ में और खेरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करा दिया था। अब खेरागढ़ से आगे बढ़कर उन्होंने उमटागढ़ी, उसको भी जीत लिया था। अब इसके पश्चात वह अपने दल बल के साथ शल्ट महादेव जा पहुंची। तिलु शल्ट को जीतकर बिलंग भौण की तरफ भी चल पड़ी, परंतु दुर्भाग्य से तिलु की जो दोनों अंगरक्षक थी बेलू और देवली, ये दोनों शहीद हो गए। तो जिस स्थान पर बेलू शहीद हुई उस स्थान का नाम रखा गया बेलाघाट, और जिस स्थान पर देवली शहीद हुई उस स्थान का नाम रखा गया देघाट। अब इसके बाद हुआ सरायखेत का युद्ध। सरायखेत के युद्ध में तिलु ने कत्यूरी योद्धाओं को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था और अपने भाइयों का मौत का बदला भी ले लिया था। तो यहीं पर उसकी घोड़ी बिंदुली भी शत्रुओं का शिकार हो गई। अब उसके बाद जब वह घर लौट रही थी तो पूर्वी नयार नदी है जो, उसके निकट तिलु जलपान कर रही थी। उसी समय शत्रु के एक सैनिक जिसका नाम था रामू रजवाड़, उसने धोखे से तिलु पर तलवार से हमला कर दिया और तिलु को शहीद कर दिया।
तीलू के बलिदान जो रक्त था वो नदी के पानी में मिल गया और पूरी नदी लाल हो चुकी थी। तीलू की याद में आज भी कांडाग्राम व बीरोखाल क्षेत्र के निवासी हर वर्ष कौथिक आयोजित करते हैं। ढोल दमाव तथा निशान के साथ तिलु रौतेली की प्रतिमा का पूजन भी किया जाता है। तिलु रौतेली के पराक्रम की शौर्य गाथा महज पहाड़ तक ही सीमित रह गई है, लेकिन आवश्यकता यह है कि ऐसे महान योद्धा के रण कौशल, समर्पण और देशभक्ति को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, जिससे खासकर जो महिलाएं हैं उनके व्यक्तित्व में आप प्रेरणा इस कहानी से पा सकें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।